आज हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ई-स्पोर्ट्स की बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि ई-स्पोर्ट्स की बदनामी हुई है। और अब इन इंसिडेंट्स से मेरा मतलब है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहां पे इंडियन प्लेयर्स वर कॉट रेड हैंडेड चीटिंग इन द गेम्स। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अबाउट निखिल कुमावत AKA Forsaken। इनको हम कैसे ही भूल सकते हैं, बिकॉज ही वॉज कॉट इन एन इंटरनेशनल इवेंट वो ऑप्टिक गेमिंग के लिए एक्सट्रीम लैंड एशिया फाइनल शंघाई में खेल रहे थे जब उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया। उसके बाद Forsaken को लाइफ टाइम बैन तो कर दिया गया बट एक लाइफ टाइम धब्बा भी इंडियन ईस्पोर्ट्स के CS:GO सिनेरियो पे लग गया था व्हेन ही वाज कॉट रेड हैंडेड। अब CS:GO से कहानी घुमा के हम लोग लेकर आने वाले BGMI पे एंड हम बात करने वाले हैं सैगी की। सैगी एनिग्मा गेमिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जब वो यहाँ पर पकड़े गए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए जिनसे वो हैकिंग कर रहे थे। उस घटना के बाद आज तक सैगी को BGMI ईस्पोर्ट्स सीन में आज तक नहीं देखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं अर्पना शुक्ला AKA एनी AKA रोग स्ट्रीम, जिनके फेसबुक पर 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे 360K सब्सक्राइबर्स हैं। वन फाइंड है एनी अपने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम कर रहे थे एंड बीच में कुछ ऐसा क्रैश हुआ जिस वजह से उनके जो हैक्स थे वो लाइव स्क्रीन पर आते हुए दिखाई दिए। मेरे ख्याल से वो कुछ अपने OBS में सेटिंग करना भूल गए थे, बिकॉज हम सबको बता रहा है OBS में यहाँ तो आप अपना डिस्प्ले कैप्चर कर सकते हो और यहाँ आप अपना गेम कैप्चर कर सकते हो। मे बी दैट इज वेयर वे शी मेस्ड अप एंड उनका ये हैक्स पूरी यूट्यूब के सामने आ गए एंड यूट्यूब के बाद पूरी दुनिया के सामने आ गए। और हम बात करने वाले अभय की, जिनको इन गेम जेड के नाम से जाना जाता है। बिंग्स की टीम में खेलते हुए उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे कन्फेस किया था दैट वो हैक्स यूज करते हैं टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द एनिमीज। मैं कन्फेस कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जिसको लाइक ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो अच्छे से कि हां मैंने लाइक मैं इसलिए छुपा रहा था वो चीज़, मैंने एक दिन के लिए 3 मैचेस के लिए किया था, बट मैं इसलिए छुपा रहा था क्योंकि ये 3 मैचेस के वजह से लाइक कोई अगर बोले लाइक मेरे को नहीं पता था ना इतना, दो एक दो मैंने बाद में बैन होने वाला इस चीज़ के वजह से, तो भाई किसी को लाइक पता ना चले। तो गाइस देख, पहले वो टाइम पे बहुत हैकर आते थे, लाइक मैं रैंक में रेडिएंट के लिए बहुत डेस्परेट था, मतलब मैं पहुँचना ही चाहता था कुछ भी करके। तो मैं जब उस दिन मैं बहुत ट्रिगर हुआ जब हैकर की वजह से मेरा रेडिएंट गेम था वो लूज हुआ मैं, तो बस इस वजह से मैं मेरे को गुस्सा आया था लाइक ऐसे ही। ये सच है, तो वो गुस्सा हो गया हैकर्स की वजह से, मैं ट्रिगर हो गया, मैं लेजिट बहुत दिमाग खराब हुआ था। मैंने बोला कि भाई लोग ऐसे ऐसे आके कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा लाइक मूड फ्रेश करने के लिए तो मैंने लाइक एक दिन तक खरीद लिया और सिर्फ 3 मैच। भाई कितना चोरी हो रहा है देश में, तुम लोग भी चोरी जाके चोरी करो क्या यहां पे स्ट्रीम क्या देख रहे हो, चोरी करो। बस इतना कंटेस्ट करना चाहता हूं, बस हां मैंने एक दिन किया था बट मैं छुपा इसलिए रहा था बिकॉज इसको लगे ना कि बस मैं इतना लाइक किसी की इमेज पे, ठीक है इतनी दिनों बाद इमेज खराब हुई तो ठीक है, चलो मैं मानता हूं मैं कंटेस्ट करता हूं कि ये चीज गलती थी मेरी। अब ये सारे कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं जो कि हमारे ईस्पोर्ट्स की टाइमलाइन में हुए हैं एंड हर एक ईस्पोर्ट्स एंथुसियास्ट चाहेगा ये सारे इवेंट्स वापस से हमें ना ही याद आए और ना ही फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स हों।